छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, तीन पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर नगर प्रेम पत्नी और दुलार, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो मोहब्बत का संदेश है, ऐसा कुछ नहीं। देखना आप 11-12 तारीख को दीपावली है, 5000 दियों के साथ इमरान जी दीपावली मनाएंगे। रिजवान चौधरी नाम है मेरा। रिजवान चौधरी हैं जो कांग्रेस से टिकट के एक तरह से दावेदार भी तजारा विधानसभा से कहे जा रहे थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो टिकट तो किसी एक को मिलता है, 27 लोग टिकट मांग रहे थे और अभी जो कैंडिडेट पार्टी ने बनाया है तो सब उसके साथ हैं, 27 उसके साथ है। और आपने अगर देखा हो अभी स्टेज पर तो वंदे मातरम भी बोला गया, जय श्री राम भी बोला गया, सत श्री अकाल भी बोला गया, नमस्कार भी बोला गया, पूरा मोहब्बत का संदेश है। किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है, टोटल लोग मोहब्बत के साथ इस बार वोट डालेंगे, भाईचारा कायम रहेगा और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी इमरान जीतकर विधानसभा जाएगा। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि मुसलमानों को जो वंदे मातरम से दिक्कत है और उनको जय माता बोलने से दिक्कत है, क्या क्या? नहीं, बकवास, सिर्फ एक ढकोसला है। मैं कहता हूँ तुमसे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, यूं भगत अस्फाक बनकर इनकलाब बोलेंगे। तुम्हें जय ना बोलनी हो राम की तो मत बोलो, हम जय भी बोलेंगे और जय श्री राम भी बोलेंगे। की आप जीत को लेके आश्वस्त है पूरी तरह से? देखो आश्वस्त जनता होती है, आश्वस्त जनता पर है, जिस तरह जनता का प्यार मोहब्बत भाईचारे का संदेश मिल रहा है। देखा आपने, आप तो मीडिया के पर्सन है, आप तो बहुत ज्यादा नजर रख रहे होंगे चुनावी सभाओं पर। धौली पहाड़ी में कल बीजेपी प्रत्याशी को भगा दिया गया, वहां नगर परिषद में गए तो वहां पर गुजरों के लड़कों ने भगा दिया। ये ही तो जीत के नारे हैं, बौखलाहट है। देखो भाजपा ने पहली बौखलाहट तो इसमें बताई कि उन्होंने अपना एक सांसद मैदान में उतार दिया, पहली बौखलाहट तो ये थी। दूसरी बौखलाहट ये कि उनके कैंडिडेट को कोई जानता ही नहीं, यहाँ पे जानेगा कहाँ से, कभी आए नहीं जनता के बीच में। अब इमरान भाई बता रहे थे कि उसको कोई किसी तरह का कोई काम नहीं किया, लोग उसे मेल झोल नहीं बढ़ा, किसी तरह का कोई काम था ही नहीं विधानसभा में कि उनको लोग जानते कि भाई मैं आपका सांसद हूँ। इनके जो गुरु थे ना महंत चांदना, जिनका इंतकाल हो गया था, उनके एक बार पोस्टर लग गए थे डिस्ट्रिक्ट अलवर में कि गुमशुदा है हमारे सांसद, किसी को मिले तो बताना उसको इनाम दिया जाएगा। सेम उसी पद चिन्ह पर चले हैं महंत भी, बालकनाथ जी भी, और ऐसा कुछ नहीं है। सांसद जी की हार और हमारे इमरान जी की जीत ये तो जनता करेगी साहब, लेकिन बौखलाहट है, बीजेपी बिल्कुल भगी हुई है, जनता आश्वस्त है। मैंने यहां देखा है अभी रैली के दौरान 36 बरादरी के लोग थे, आपने किस तरह से इन लोगों को अपने साथ जुटाया है? ये मोहब्बत है, देखो जात में ना पात पे, इस बार हम सब मोहब्बत पे हैं। टोटली जनता सब डिपेंड कर रही है हमारे सब भाईचारे पर, क्योंकि हम सब, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक सोशलाइज्ड कंट्री, एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब मोहब्बत के साथ संदेश दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से घर जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, संदेश ले रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। चुनाव जनता लड़ रही है, हर एक शख्स इमरान बना हुआ है विधानसभा में और जीतेंगे इमरान साहब विधानसभा। अच्छा, हर एक शख्स इमरान बना हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में और बाबा बालकनाथ की मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया से पहले एक जनसभा की गई थी, उसमें गुरुद्वारा और मंदिर मस्जिद को लेकर एक बहुत बड़ी जो बयानबाजी की गई थी, उसको किस तरह से देखते हैं आप? इसको देखना क्या है, तो शर्मनाक बात है मेरे भाई। पूरे राजस्थान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, विरासत में अगर देखा जाए ना, तो इससे काला दिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जिसका घर नहीं होता शहरों में उसका गुरुद्वारा होता है। गुरुद्वारों के बारे में इतने अपशोभनीय शब्द कहे उन्होंने, क्या बात करते हैं। और उस वक्त स्टेज पर एक जनसांख्यिकी सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बैठा था और ताली बजा रहा था और इतने सारे लोग बैठे थे, किसी शख्स ने उठकर ये नहीं कहा कि संदीप साहब आप गलत बोल रहे हैं गुरुद्वारों के बारे में, किसी पवित्र जगह के बारे में हमको शोभा नहीं देता, ये बिल्कुल गलत बात है साहब, नहीं बोलना था, मैं उसको गलत मानता हूँ, कंडम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ और कहता हूँ कि देखो नफरत में मत बटो, मोहब्बत का संदेश है, मोहब्बत के साथ वोट करना है हमको। चुनाव आते जाते रहेंगे, 5 साल में फिर चुनाव आ जाएगा, हम सबको रहना है, राज्य रहता है, लोग रहते हैं, इलाका रहता है, हम सब एक हैं, एकता के साथ वोट करेंगे और अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। शर्मनाक बात थी जो उस दिन कही, वो गुरुद्वारा कमेटी में खूब जा रहा है, माफ़ी मांग रहा है, लेकिन गुरुद्वारे तो वो क्षत्रिय हैं जो अपने सर कलम करवा देते हैं, अपने जान देते हैं, बलिदान देते हैं, वो कभी नहीं डरने वाले। उन्होंने कह दिया जाओ अमृतसर, आप वहाँ माफ़ी मांग के आओ, अमृतसर में उनका जवाब गया, वहाँ से माफ़ी उनको नहीं मिली, गुरुद्वारे वालों ने कल उनको धौली पहाड़ी से भगा दिया। अब यहाँ पर देखा आपने सत श्री अकाल, कितने लोगों ने कहा, हम सब कहते हैं सत श्री अकाल, सब लोग आकर बैठ गए स्टेज पर, कहे कि हम इमरान जी के साथ हैं, हम भाईचारे के साथ हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भाजपा जो उनके लीडर होते हैं वो इस तरह की बयानबाजी अक्सर देते रहते हैं, अभी तक उन्होंने किसी के खिलाफ भी कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया था, लेकिन इनको तत्पर भाव से पार्टी से निलंबित कर दिया, तो आप किस तरह से देखते हो? ये सिर्फ एक दिखावा है, पार्टी से निलंबित करना तो सिर्फ एक दिखावा है, वो अपने घर बैठ कर भी फोन बात कर रहे होंगे, पार्टी की विचारधारा को सब जानते हैं, निलंबित करे चाहे ना करे उससे मतलब नहीं बनता, वो उसका शख्स था पार्टी का, और उससे कहीं ज़्यादा जरूरी था कि स्टेज पर कैसे लोग बैठे थे। अगर उस वक्त महंत योगी आदित्यनाथ जी खड़े होते और कहते कि नहीं संदीप जी गलत, मैं एक मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के होते स्टेज पर इस तरह की बातें नहीं की जाएंगी और मना करते, तो अच्छा लगता। मैं आपसे कहूँगा
कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखना है, हमारा भाईचारे का चुनाव है, लोगों में मोहब्बत है, आपस में मोहब्बत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं सब। फिर एक बार आपको मैं एक असार पढ़ के सुना देता हूँ कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, तीन पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर नगर प्रेम पत्नी और दुलार, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो मोहब्बत का संदेश है, सब कुछ नहीं देखना आप। 11-12 तारीख को दीपावली है, 5000 दियों के साथ इमरान जी दीपावली मनाएंगे।